पटना आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव, रविवार को होगा उनका आगमन और सीमित संख्या में लोगों से होगी मुलाकात। बेटी मीसा भारती और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी उनके साथ होगी। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। राजद सुप्रीमो यानी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वे रविवार को पटना आएंगे। उनके साथ राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के भी पटना आने की सूचना है। बताया जा रहा है कि पटना में राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। एक बड़े अंतराल के बाद लालू का बिहार आगमन हो रहा है और सूत्रों से जानकारी मिली है कि लालू यादव को पटना आने को लेकर डॉक्टर से सलाह ली जा गई है। यह भी जानकारी मिल रही है कि लालू यादव पटना में डॉक्टर की देखभाल के बीच राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के देखरेख में रहेंगे। इसके साथ ही लालू यादव के पटना आने को लेकर के उठे कई अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। चूँकि लगातार ये कहा जा रहा था कि लालू यादव पटना नहीं आने वाले हैं, कभी लगता था कि आएंगे, लेकिन इस बार ये है, लालू प्रसाद यादव पटना आना चाहते थे लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर उन्हें बिहार आने का परमिशन नहीं दे रहे थे। पूरा हेल्थ एग्जामिनेशन, खान पान और दैनिक रूटीन को लेकर डॉक्टरी सलाह के पूर्ण पालन के आश्वासन पर डॉक्टर ने उन्हें आने की अनुमति दी है। यहाँ रहते हुए उनका शुगर लेवल का नियमित रूप से जांच किया जाएगा। उन्हें समय पर आवश्यक दवाएं अनिवार्य रूप से लेने की सलाह दी गई है। चूँकि आपको बता दें कि लालू यादव बीमार चल रहे थे और इसको लेकर के डॉक्टरों ने उनको बिहार आने से रोक दिया था, लेकिन उन्हें ज़्यादा लोगों से मिलने की इजाज़त डॉक्टर ने नहीं दिया है और बंधक बना लिए जाने की उठी थी बात, क्योंकि पिछले दिनों उनको बंधक बना लेने के बाद तेज प्रताप ने उठाई थी और कहा गया था कि उनको दिल्ली में बंधक बना लिए जाने की चर्चा हुई। और चूँकि उन्हीं के बेटे ने ये बयान दिया था और लालू जी को दिल्ली में बंधक बना लिया गया है, तब बिहार के सियासत में तेज प्रताप का यह बड़ा बयान जो था वो सुर्खियाँ बनी थी। नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को इस पर सफाई देना पड़ा था। करीब 3 साल बाद लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं, इससे पार्टी में खुशी की लहर है। चूँकि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है और अगर लालू यादव बिहार अभी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं में एक जान फूंक देने वाली बात है और कार्यकर्ता इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित भी हैं। चूँकि काफ़ी समय से लालू यादव को पटना आने की बातें हो रही थी लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी तो उन्हें दिल्ली मजबूरन रहना पड़ रहा था, लेकिन अब फाइनली वो पटना आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।